अस्सलाम वालेकुम भाई। तो ये देखे पानी से भर चुका है। तो अभी ये देखे नबीब भाई आलू लेने गए हुए थे तो गिरने लगे हैं। तो गाइस ये चेक कर लें, आप भी इधर आप देख सकते हैं कितना डूंगा पानी हुआ हुआ है। तो ये बच्चे ऐसे खेल रहे हैं अभी, तो ये काफ़ी बुरा मंजर पेश कर रहे हैं। तो गाइस ये लबीब भाई चल रहे हैं, देखे कितना कितना डूंगा पानी हो गया। तो अभी देख सकते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो ये आ गई है हमारी गली। तो हमारी गली में भी बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। तो ये देखें आप भाई, पार तो नहीं भीगे लेकिन नीचे से मुकम्मल भीग चुके हैं। तो अभी ये मस्तियाँ कर रहे हैं, देखें पानी भी गिरा रहे हैं। तो गाइस ये चेक करें, अभी ये हम अपने दरवाजे के आगे आ गए हैं। तो मुकम्मल तौर पर पानी है, दिलबीर भाई हैं पीछे हमारे। तो ये देखें पूरी गली में पानी है, इस साइड पर भी आप देख सकते हैं पानी हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो अभी हम खड़े हुए हैं मोहल्ला शहीदा मंगवाल गरबी में। तो यहाँ के हालात चेक कीजिए कि कैसे हो चुके हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो ये खड़े हैं लबीब भाई हमारे, तो ये मुकम्मल तौर पर भीगे हुए हैं क्योंकि हम आलू लेने गए हुए थे बाज़ार से। तो अभी ये देखें, वाओ क्या झील बनी हुई है। तो दोस्तों ये ग्राउंड था हमारा क्रिकेट का, तो बंदे यहाँ पर आकर क्रिकेट खेल लिया करते थे, जो मर्जी खेल रहे थे, लेकिन ये ग्राउंड था एक अच्छा सा। तो अभी आप इसके हालात चेक करें, तो ये अभी कोई कम नहीं बात, अभी आगे बहुत से तालाब बने हुए हैं जो कि अच्छे खासी जगह थी, तालाब बन चुके हैं। तो लबीब भाई भी हमारे साथ हैं अभी तक। तो लबीब भाई कह रहे हैं छलांग लगाते हैं, तो अभी हिम्मत नहीं हो रही उनकी, लगाओ ना छलांग। ओके ओके, तो गाइस ये चेक करें आप, पूरी झील देख लें, झील बन गई हुई है। तो अगर आपने यहाँ पर नहाना है तो आप आ सकते हैं मंगवाल गरबी मल्ला शहीदा इमाम बारगाह के सामने वाली जगह ये। तो आप देख सकते हैं गाइस ये कैसी जगह बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हम आ चुके हैं आप दरबार के पास। तो अभी दरबार के पास आपको नज़ारा दिखाते हैं कि क्या सीन बने हुए हैं। तो ये देखें इमाम बारगाह के पीछे वाली जगह भी उसी तरह मुकम्मल तौर पर झील बन चुकी है। मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ थोड़ा। ये लबीब भाई बैठे हुए हैं गंदी जगह पर, पता नहीं कैसे बैठ जाते हैं। घास है लेकिन कीचड़ वाला, पार्क की तरह जो पार्क में उगा होता है ना घास, ये देख सकते हैं। तो भाई ये तो घास कीचड़ वाला था लेकिन वाला इनको पसंद है, ऐसे ही बैठ जाते हैं, कपड़ों का कोई ख्याल नहीं करते। तो ये देखें, ये चेक करें आप लोग, मुकम्मल तौर पर झील बनी हुई है, तालाब। तो गाइस ये चेक करें आप लोग, कितने प्यारे ब्यूटीफुल सीन्स हैं मंगवाल में भी, ग्रीनरी चेक करें आप। तो ये मैं आपको दरख्त दिखाना भूल गया हूँ, ये चेक करें गाइस, ये दरख्त है तकरीबन ये 100 साल पुराना दरख्त है, मैंने बचपन से सुना हुआ है 100 साल पुराना है, पता नहीं इसकी उम्र क्या है। तो ये दरख्त है, इसको कहते हैं बोर्ड का दरख्त है, यही सुना है मैंने। तो जब से मैं तो इधर आता हूँ तब से देख रहा हूँ, लोग कहते हैं कि 100 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया इस दरख्त को। तो ये दरख्त है, तो गाइस ये चेक करें आप लोग, क्या ब्यूटीफुल सीन है। अभी लबीब भाई आपको यहाँ पर एक स्लोमो करके दिखाएंगे, स्लोमो वॉक जिसे कहते हैं। चलें लबीब भाई स्लोमो वॉक करें, ये लिए हैदराबाद की एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है अली खान, जिसकी टिकटॉक आईडी अली खान 110। तो ये देखें, ये लबीब भाई चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह बैकग्राउंड अच्छे आ जाते हैं। तो ये है हमारा दरबार शरीफ मंगवाल गरबी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो अंडे लेने आए थे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं गिर गए हम, कैसे चल रहे थे ये भी बताओ लोगों को। तो गाइस ये चेक करें, ये आपको चल के दिखाने लगा रहा बंदा। सही
अस्सलाम वालेकुम गाइस, दलपी भाई अभी मस्तियां गा रहे थे तो ये देखिए उनके साथ क्या बना है। ये देखें अभी इनके साथ क्या बना है। ये देखें गाइस, आप तो जान के कार्य वीडियो बनवाने के लिए। घर से लानते पंडिया के ये क्या कार के आई हो, कहेंगे गिरे हैं। ये तो नहीं ना पता, खुद गिरे हैं के अल्लाह की तरफ से गिरे हैं। अल्लाह की तरफ से तो ना गिरते यार, अचानक क्या लेते हैं, अचानक गिरे हैं या फिर जानबूझ के। तो गाइस ये चेक करें कितना ब्यूटीफुल बैकग्राउंड है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी वीडियो नहीं शूट करते। और ये बंदा चेक करें गाइस, ये जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो अंदर में चवले मारने आ जाता है। गाइस ये देखें, ये पूरा एरिया जो है ना ये किचड़ बना हुआ है, किचड़ भी ना कहें यार, तालाब बना हुआ है, ऊपर घास उगा हुआ है, तो उगा हुआ है दलदल जो होती है ना, दलदल बनी हुई है यार, कोई क्या बोलूं यार, आप समझ लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज लबीब भाई आपको स्लोमो बनाएंगे, अली हैदराबादी की तरह स्लोमो कार के दिखाएंगे। चलो जी वाक करो, स्लोमो वाक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो अभी हम अपने घर पहुंच चुके हैं, तो मुकम्मल तौर पर गीले हो चुके हैं। लेने क्या गए थे भाई, आलू अंडे। आलू अंडे लेने गए थे तो मुकम्मल भी भाग के आए हैं, तो सोचा रास्ते में वीडियो बना लेते हैं। तो बहुत मज़ा आया, आलू अंडे लेने जा रहे थे तो वीडियो भी बनाइए आप देखें।